नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या देखा था? यस, हमने रू, ओके, रू से रूसी, रू से ऋषभ और रू से ऋतु, राइट। नाउ अभी हम इस सेशन में हमारा ए देखेंगे। क्या देखेंगे? ए, ओके। उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रू कैसे हमने किए थे, ओके। वो भी हम एक बार ट्राई करते हैं। चलो नाउ सबसे पहले करेंगे हम अ। क्या करेंगे? अ, तो अ के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड थोड़ा सा ऊपर, थर्ड, फोर्थ, हो गया हमारा अ, राइट। अब करेंगे आ। अ से कौन कौन से शब्द थे? अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अचकन, राइट। अब करेंगे आ। आ से क्या आ करना है? तो पहले क्या करना पड़ेगा? अ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आ में क्या होता है? सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन ज्यादा होती है। अ, आ। अब करेंगे ई। पहले कौन सी ई आती है? छोटी वाली। छोटी वाली ई करनी है तो पहले स्टैंडिंग लाइन एस करना है, टर्न और ऊपर स्लिपिंग लाइन, तो हो गई हमारी छोटी ई। छोटी ई से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? इडली, इमरती, ओके, राइट। फिर अब करेंगे बड़ी ई। बड़ी ई भी ऐसे करनी है, पहले छोटी ई करनी है, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा सी, ताकि हो जाएगी हमारी बड़ी ई, राइट। अब करेंगे हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ कैसे करना है? राम, दूसरा राम थोड़ा सा ऊपर, बस हो गया हमारा छोटा ऊ। ओके, नाउ बड़ा ऊ। पहले छोटा ऊ करना है, फिर यहां से एक राउंड करना है, ओके, और फिर करनी है स्लिपिंग लाइन, तो हो गया हमारा बड़ा ऊ। अब हमने क्या किया था? रू। रू में क्या करना होता है? पहले थोड़ी सी स्लैंट लाइन, फिर नीचे लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर राउंड एंड राउंड, हो गया हमारा रू, राइट। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू। और हमने क्या लिखा था? हमारा सॉन्ग। हमारा सॉन्ग क्या है? अ से अनार बहुत कमाल, आ से आम खूब करो काम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख, ईख यानी कि गन्ना, ईख, ई से ईख अच्छी बातें सीख, ऊ से उल्लू खुशी से खेलू, ऊ से उल्लू खुशी से खेलू, ऊ से ऊन नानी का घर दूर, ऊ से ऊन नानी का घर दूर, राइट। फिर रू वाला नहीं था, मैंने बोला था ना, राइट। अब हम करेंगे ए। तो ए का क्या होगा? ए से एडी सेम की बेल फेली, ए से एडी सेम की बेल फेली, ओके। पहले हम ए करेंगे फिर उसको देखेंगे, ओके। यह सॉन्ग को हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करते हैं हम हमारा ए कैसे लिखते हैं वो करना है हमें। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लिया कि अ कैसे करना है, आ के स्टेप क्या है, छोटी ई के स्टेप क्या है, बड़ी ई के स्टेप क्या है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रू। रू मैंने कहा था कि थोड़ा सा हार्ड है, पर हमें क्या करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? ओके,
इसके प्रैक्टिस करने से हमें रू आ जाएगा। अब हम करेंगे ए, क्या करेंगे ए। ओके तो देखो सबसे पहले तो ए में कौन कौन से वर्ड होते हैं वो हम देखते हैं कि ए के अंदर कौन कौन से होते हैं शब्द वो पहले देखने हैं हमें, राइट। ऐसे एल्बम, एल्बम जिसके अंदर हम लोग फोटोज रखते हैं, राइट, जिसके अंदर हम लोग फोटोज रखते हैं। फिर एक, एक यानी कि वन, ऐसे एल्बम, ऐसे एक, ऐसे एक तारा जो बजाने का होता है ना, ओके, जैसे हम गिटार कैसे बजाते थे, जैसे पुराने जमाने में एक तारा आता था, देखो इस तरीके से, राइट, सॉरी, एल्बम, ऐसे एक, ऐसे एक तारा और ऐसे एडी, एडी यानी कि हमारे पैर, कोई पैर होते हैं जो नीचे का पार्ट होता है, फुट हमारा वो, ऐसे एल्बम जिसके अंदर फोटो रखते हैं, एक, एक तारा और एडी, ओके, तो ये थे हमारे सारे के सारे पिक्चर्स ए वाले, किसके पिक्चर्स है ए वाले, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे कि ए के स्टेप क्या क्या है, अब हम क्या करेंगे ए के स्टेप क्या क्या है, ओके। तो स्टूडेंट अब हम हमारे ए के स्टेप देखेंगे, राइट। गुजराती में कैसे होता है, अ के ऊपर मात्रा लगाने से वो ए बन जाता है, पर हिंदी में हमारा ए ऐसा नहीं होता कि हम अ के ऊपर मात्रा लगाएंगे तो ऐसा होता नहीं है। ए कैसे करना होता है, ऐसे देखो यहाँ पर सबका ध्यान होना चाहिए कि ए के स्टेप कैसे है, राइट। चलो देखेंगे सबसे पहले ए के स्टेप में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन करनी है, क्या करनी है स्टैंडिंग लाइन। फिर दूसरा स्टेप है स्लैंट लाइन, क्या करना है स्लैंट लाइन। और फिर थर्ड स्टेप है उसके सामने एक दूसरी लाइन और थोड़ा सा टर्न, राइट, स्टैंडिंग स्लैंट इसके सामने और एक्सटेंडिंग और राउंड गया हमारा ये स्टैंडिंग स्लैंट, उसके सामने दूसरी स्टैंडिंग और थोड़ा सा राउंड, तो हो गया हमारा ए। देखो स्टैंडिंग लाइन स्लैंट लाइन, इसी के सामने दूसरी स्टैंडिंग लाइन और उसको ऐसे टर्न कर दे, जिसे हम छाता कैसे हम पकड़ते हैं तो उसके नीचे कैसा होता है उसी तरीके से, राइट। देखो हो गया हमारा ये स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग के सामने दूसरी स्टैंडिंग और थोड़ा सा राउंड, तो हो गया हमारा ए, राइट। वापस करते हैं, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें वो आ जाएगा, राइट। पहले हमें क्या करना है, हमारी रॉक बुक रखनी है और रॉक बुक में उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, अगर हमें वो एकदम परफेक्ट आ जाता है तो फिर हम उसका कर सकते हैं, उसको आगे लिख सकते हैं हमारी बुक में स्टैंडिंग स्लैंट, और हो गया हमारा ए स्टैंडिंग स्लैंट, उसी के सामने दूसरी स्टैंडिंग और थोड़ा सा राउंड और ऊपर स्लीपिंग, क्योंकि हर एक हिंदी वर्ण के ऊपर स्लीपिंग लाइन होती है तो ही वो हिंदी बनता है, राइट। स्टैंडिंग स्लैंट दूसरी स्टैंडिंग राउंड और ऊपर हमारी स्लीपिंग लाइन, तो हो गया हमारा ए, राइट। देखो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, हमारा पेज नंबर 15 पेज नंबर 15 पर है, ओके, वो हमें करना है। और उसके नीचे देखो पढ़ो और ए पर गोले लगा, क्या कहा है पढ़ो और ए पर गोले लगा, तो चलो अभी हम वो करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट हमारा जो पेज नंबर 15 है 1515, उसके नीचे आप लोगों को एक वर्क दिया है कि पढ़ो और ए पर गोले लगाओ, यानी कि ए वाले शब्द पर हमें राउंड करना है, ओके। देखो सबसे पहले तो हम क्या क्या स्वर है हमारे वो देख लेते, ए आई ई ए ई रू ए आई आ और ए, देखो ये दोनों सेम है तो याद रखना पर डिफरेंट है, ओके। दिखने में जैसे जैसे कि छोटी ई बड़ी ई कैसे थी,
छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसा था, राइट? उसी तरीके से ए और ये आई है, राइट? तो उसमें आप लोगों को मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, ये ए है और ऊपर मात्रा वाला यानी कि आई। ऊपर अगर एक मात्रा है तो उसका मीनिंग होगा आई, ए आई है, राइट? ये दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, राइट? तो हम उसके ऊपर गोल करेंगे, फिर ये तो आई है तो उसके ऊपर गोला आएगा नहीं, फिर ये है छोटी ई तो उसके ऊपर भी करना नहीं है, फिर ये क्या है, यह हमारा ए है तो इसके ऊपर भी हमें राउंड करना है, फिर ये है हमारी बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई तो उसके ऊपर हमें राउंड करना नहीं है, ये क्या है हमारा रू, क्या है हमारा रू तो उसके ऊपर भी गोला लगाना नहीं है, वापस आया हमारा ए तो ए के ऊपर ऐसे राम हो गया। नाउ ए के ऊपर मात्रा है तो ऐसी मात्रा वाला ए आएगा नहीं, फिर है आ तो आएगा ही नहीं, हमें तो सिर्फ ए पर को ही ध्यान रखना है, सिर्फ ए ही को ही ध्यान रखना है जो यहाँ पर भी है। देखो ए ए ए ए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 15 वाला, उसमें कितने ए है, चार, कितने ए है, चार, राइट? ओके स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले तो ए से क्या क्या है, एल्बम, ऐसे एक तारा और ऐसे एडी, राइट? स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, सुननी है ना, क्योंकि हम क्लास में होते हैं ना तो रोज एक कहानी सुनते हैं, यस? देखो चलो अभी मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एडी देखी ना तो मुझे कहानी याद आ गई, एडी यानी कि हमारा जो पेड़ का जो लास्ट वाला पार्ट होता है फूट वो, ओके? एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में एक घोड़ा था वो जा रहा था और एकदम गांव में से वो निकला था पर जंगल में कहीं वो भटक गया था, क्या, घोड़ा, एक घोड़ा था जो गांव में से निकला था पर जंगल में वो कहीं भटक गया था, फिर अचानक वो तो डरता डरता जा रहा था क्योंकि जंगल में कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े जानवर होते हैं, शेर बाघ वो उसको खा जाते, तो क्या हुआ कि वो तो जा रहा था और अचानक ऐसा हुआ कि एक बाघ सामने आया और बाघ को देख के तो ये जो घोड़ा था वो तो बहुत डर गया और वो बाघ था वो तो एकदम, उसको तो बहुत भूख लगी थी और बहुत भूख के मारे उसने तो वो घोड़े को कह दिया कि आज तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा, पर जो घोड़ा था वो तो एकदम डर गया था, उसको तो बहुत डर लग रहा था, बाघ धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और घोड़ा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, वो वैसे भाग भी नहीं सकता था क्योंकि नहीं तो तेजी से वो बाघ उसको आके झपट लेता, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बाघ था उसके सामने वो जो घोड़ा है तो वैसे लंगड़ाने लगा, कैसा, अपना पैर जैसे दुखता है तो हम कैसे चलते हैं, उसी तरह वो थोड़ा लंगड़ा के चलने लगा, एकदम अपना पैर जो अपाइज हो जाता है वो कैसे चलेंगे वैसे चलने लगा, तो फिर बाघ के नजदीक जैसे आया तो बाघ ने कहा कि आज मैं तुझे खा जाऊंगा, तो फिर घोड़े ने कहा अच्छा अच्छा चलो आप मुझे खा जाना, पर मेरे ये पैर में, मेरी ये एड़ी में एक कांटा चुभा है, अगर आप वो कांटा नहीं निकालेंगे तो आपके मुंह में वो कांटा अटक जाएगा और फिर आप घायल हो जाएंगे। तो बाघ ने तो देखा कि हाँ ये तो सही बात कर रहा है कि अगर उसके पैर में कांटा लगा है, अगर वो मैं खाऊंगा तो मुझे भी गले में वो कांटा चुभेगा, तो उसने तो क्या कहा कि आप मुझे खा जाना, घोड़े ने कहा कि आप मुझे खा जाना पर पहले मेरा ये कांटा निकाल लीजिए, तो बाघ को तो ये बात समझ में आई और उसने कहा हाँ चलो पहले मैं तुम्हारा ये पैर का कांटा निकाल देता हूँ, और फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो बाघ नीचे बैठता है वो कांटा निकालने के लिए और ये जो घोड़ा है
वो अपना पैर ऐसे करता है और ये जो बाघ है उसके पास बैठता है काटा निकालने के लिए। और फिर क्या होता है कि घोड़ा होता है वो यहाँ वहां ऐसा करता है और बाघ है वो ऐसे वैसे देख रहा है और घोड़े ने एक जोर से लात मारी उसको, उस बाघ को एक जोर से लात मारी और फटाक से दौड़ता हुआ चल दिया। और ये जो बाघ था उसको तो ऐसी जोर की लात लगी, घोड़े की लात बहुत डेंजर होती है राइट, तो जैसे ही उस घोड़े की लात उस बाघ को लगी तो वो बाघ तो दो तीन छलांग मार के गिर गया। और वो तो छलांगे मारता रहा तब तक तो वो घोड़ा कहीं दूर चला गया और गांव में भी आ गया। समझ में आया राइट? देखो स्टोरी में क्या था, समझ में आया किसी को? स्टोरी हर एक स्टोरी होती है, कोई भी स्टोरी होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है राइट। तो ये स्टोरी में क्या था, समझ में आया किसी को? यह स्टोरी में क्या था बच्चा कि अगर हमारे सामने कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी संकट आता है, तो हमें उस समय हमारा जो दिमाग है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए राइट। अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारा हम कोई भी मुश्किलों में से बाहर आ सकते हैं राइट। देखो वो अगर वो घोड़ा डर गया होता तो उसने कुछ किया ही नहीं होता तो बाघ उसको मार के खा गया होता राइट। पर घोड़े ने क्या किया, उस संकट के समय उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसने उस मुसीबत से वो बाहर निकल आया राइट। अगर हमारे सामने भी कोई संकट है, हमारे सामने भी कोई मुसीबत है, तो हमें भी उसका हल बुद्धि से निकालना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे आसपास कोरोना है राइट, जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा सकते, तो उसके लिए भी हम हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं राइट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सेफ्टी रहेगी नहीं ओके। और हमें क्या होगा, फिर हमें भी कोरोना है वो हो जाएगा और फिर हम बीमार हो जाएंगे राइट। तो हमें क्या रहना है, एकदम सेफ रहना है, तो उसके लिए हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना है और बाहर हम जाना ही नहीं है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है ना ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा है पता है सभी को, न्यूज देखते हैं ना सभी, उन्होंने ऐसा कहा है कि जब भी किसी को ऐसा लगे कि मुझे ये जरूरी बहुत 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 जरूरी काम है तो ही घर से निकलो, वरना घर से बाहर पैर मत रखो। क्या कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, के गुजराती में कहो छो के तमारे इतनो इम्पोर्टेंट काम हो के मारे जावुज पड़ से बाहर तो ज घर नी बार पग मुकवानो, नहीं तो आपड़ा माटे अत्यारे सबथी वधारे सेफ शू छे, आपड़ू घर, आपड़ा घर मां आपड़ी सबथी वधारे सेफ्टी छे राइट। એટલે ઘર માં જ રહેવાનું, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ હોય તો બહાર જવાનું, પણ બહાર જઈને શું કરવાનું, માસ્ક પહેરીને જવાનું અને સેનિટાઈઝ કરવાનું રાઈટ ઓકે। તો સ્ટુડન્ટ અમને ક્યાં દેખાવી, એ એસે એલ્બમ, એસે એક, એસે એક તારા ઓર એસે એડી રાઈટ ઓકે। મે આપ લોકો કે થોડા સા કુછ અલગ કરવાના ચાહતી હું ओके okay, तो अभी हम वो एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी डिफरेंट कि हमें स्वर कैसे पहचानने हैं ओके okay? तो चलो अभी हम वो करेंगे। तो स्टूडेंट चलो हमें एक और एक्सरसाइज करते हैं कि इस तरीके से हम स्वर को पहचान सकते हैं राइट। देखो स्वर पहचानो, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है हमें वो आपको देखना है, अ दिया है, क्या दिया है अ, तो इसमें हमें अ को पहचानना है। ये क्या है, ई है, मैं इसलिए ये करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई बात ऐसी एक्सरसाइज हो कि हमें स्वर को पहचानना है तो वो हम कर सके राइट। देखो ये है छोटी ई, ये है आ, ये बड़ी ई और ये है हमारा अ, तो हमें क्या करना है अ को पहचानना है, हमने अ को पहचान दिया राइट। यहाँ पर देखो आ, आ तो आ यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है ए छोटी ई आ और ये भी है आ,
तो इसके अंदर दो आ है, इसमें है दो, राइट। नाउ छोटी, खास आप लोगों को ये याद रखना है कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ हो तब आप लोगों को खास ध्यान रखना है। ये है छोटी ई, आ छोटी ई, राम बड़ी, नौ राम छोटी राम, ओके। छोटी ई बोला इसलिए छोटी ई कर रहा है, देखो बड़ा उ है, छोटा उ नहीं है, क्या है बड़ा उ, अ छोटा उ, नो राम बड़ा उ, राम राइट, और ये है छोटा उ, तो उसमें भी राम करना नहीं है। देखो रु, रु कहां पर है, आ रु, ये यहां पर य, ए, और ये भी है रु, राइट। यहां पर देखो ए, आज हमने ए सीखा ना, तो ये तो हमें दिखाई देना चाहिए, यहां पर है और यहां पर है, हाय, तो ये हो गए हमारे ए, डन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वर्ण है, स्वर है, उस स्वर को आप लोगों को यहाँ पर पहचानना है, डन। तो आप लोगों को मैं वर्कशीट दूंगी, वर्कशीट में हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 है वो आप लोगों को एकदम क्लियर करना है, उसको ड्रेसिंग दिया है वो करना है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो CW बुक होती है उसमें पूरा एक पेज लिखना है ए सब का, राइट। और उसके साथ में आज ऐसा भी आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों को एक पेज में उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो हम नेक्स्ट सेशन में हम आई सीखेंगे, ए के ऊपर मात्रा होगी वैसा हम सीखेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय।